सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यापक अपनी मांगों को लेकर कुलपति के पास गए और मीडिया को भी कवरेज के लिए बुलाया था, जिस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जेसी रांगड़ा एक निजी चैनल के कैमरामैन से उलझ गए और बदसलूकी करने लगे। यहां तक कह डाला कि यहां आने से पहले परमिशन लाओ नहीं तो बाहर जाओ। इतने में ही उन्होंने कैमरामैन को धक्का तक दे डाला, क्योंकि आज अध्यापक उनकी नाकामियां मीडिया में बताने वाले थे। रजिस्ट्रार ने ना तो मीडिया से बात की ना ही अध्यापकों की बात सुनी। अगर ऐसे ही माहौल बना रहा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। अध्यापकों का कहना है कि आज दिन तक उन्हें कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी गई, ना तो अध्यापकों के लिए मेडिकल की सुविधा है और ना ही बच्चों के लिए मेडिकल की सुविधा, ना ही किसी का इंश्योरेंस करवाया गया है। किसी भी अध्यापक की कोई पदोन्नति नहीं हुई है और ना ही किसी के वेतन में इजाफा हुआ है, जबकि वीसी और रजिस्ट्रार ने अपने वेतन में बढ़ोतरी कर ली है, जिसके लिए उन्हें रिकवरी के लिए भी बोला गया है। डॉक्टर मोहिंदर से, आज क्या हुआ और किस लिए आप यहाँ आए हुए? आज हम जो है वो हमारे जो विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, उनके जो बहुत टाइम से लगभग 6-7 साल से जो बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनको लेके हमने बार बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन दिया था, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। वाइस चांसलर से बात करें तो वो कह रहे कि रजिस्ट्रार नहीं करता है। रजिस्ट्रार से बात करें, उसकी समस्या ये है कि रजिस्ट्रार को कोई रूल रेगुलेशन पता नहीं है, जिसकी वजह से आज तक 8 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी में। पिछले साल अभी एक हमारा छात्र जो है वो किसी बीमारी के कारण उसकी डेथ भी होगी, और यूनिवर्सिटी में कोई भी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी राम भरोसे चली हुई है, एक एम्बुलेंस ली हुई है उसमें भी कोई फैसिलिटीज नहीं है। इसके अलावा टीचर्स की जो प्रमोशन का है, 5 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी में और आज तक किसी भी टीचर्स की जो है वो प्रमोशन नहीं हुई है, जबकि ये अपनी जो इसके रिलेटिव हैं, अपने जो लोग हैं, उनकी जो है वो दो बार क्या आउट ऑफ द बेबी जो है उन्होंने प्रमोशन की है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ये है। इनसे आप मिले हैं, कैसा बिहेवियर है इनका, किस तरह से ये बात? कुल सचिव का बिहेवियर से और उसके स्टाफ के बिहेवियर से सब बहुत दुखी है, और उसी वजह से यूनिवर्सिटी को जो है सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। और हम ये चाहेंगे कि या तो कुल सचिव अपना बिहेवियर चेंज करे, नहीं तो हम वाइस चांसलर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जल्दी से हटाया जाए। अगर यूनिवर्सिटी चलनी है तो वैसे ही चलेगी जैसे टीचर्स और मतलब हमारी जो एकेडमिक बॉडीज है वो चाहेंगी, ना कि जैसे रजिस्ट्रार चाहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार को कोई रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है। क्या नाम, क्या आपका? जी मेरा नाम सचिन श्रीवास्तव है। आज कैसा बिहेव आपको रजिस्ट्रार का लगा, जो मीडिया के साथ इन्होंने किया, क्या इनको करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया के साथ और किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अशोभनीय है। इस तरह का व्यवहार रजिस्ट्रार ऑफिस से और इसमें रजिस्ट्रार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आपको सैलरी कितनी मिलती है और क्या कोई ऐसा घोटाला आपके सामने समक्ष है जो यूनिवर्सिटी ने किया हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ दिन पहले आपने पता होगा कि 7th Pay Commission सेंट्रल पे कमीशन के लिए लागू हुआ, तो हमारे रजिस्ट्रार साहब को शायद ये पता नहीं था, और या हो सकता है इंटेंशनली जानबूझ करके इन्होंने केवल नॉन टीचिंग स्टाफ को इन्होंने 7th Pay Commission लागू कर दिया विदाउट नोटिफिकेशन ऑफ UGC, और अपनी सैलरी भी ये ज्यादा लेते रहे, आज तक शायद अभी रिकवरी नहीं दिया, पता नहीं क्या है इसके बारे में। 3 लाख 3.5 लाख के आसपास है ये जो डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा है, कागज दे दो। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये कि 3,12,394 की कुछ इनके ऊपर रिकवरी है जो सेंट्रल कैग की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कमियां हैं। नहीं, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कमियां मतलब केवल रजिस्ट्रार की वजह से है और किसी के बारे में नहीं कहेंगे। कि वीसी साहब एकदम साधु सज्जन आदमी है और उनको ये किसी तरह मिसगाइड करके किसी तरीके से मिसगाइड करके उनको अपने रूल को इंटरप्रेट करके उनको जो है ये अपने उस फॉर्म में ले आते हैं, और कोई रीजन नहीं है, ये मेन गलती इनकी है। और हमारी एक ये भी मांग है कि